afternoon students. Today we are going to start your chapter number 3. The name of this chapter is the solar family. Okay, आज हम लोग solar family के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Now we are going to start our questions. उस पिक में सभी हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी की फोटो होगी और मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. हाँ जी बेटा. तो ये फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ये है सन. ठीक है. हमारा फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ. अर्थ थर्ड प्लेनेट है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं. ठीक है. फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवंथ है यूरेनस, एट्थ है नेपच्यून, नाइन्थ है प्लूटो. ठीक है. प्लूटो लेकिन आज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which planet is called the red planet? Red planet किसे कहा गया है? ठीक है. Red planet यहाँ पे कौन सा है? Mars. ठीक है. Mars is the red planet. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? Mars. ठीक है. Mars is called the red planet. Second question is which planet is nearest to the sun? Nearest means सबसे नेड़े, सन के सबसे नेड़े कौन सा प्लैनेट है? The answer is Mercury. मरकरी प्लैनेट है यो, वो सन के सबसे ज्यादा नेड़े है, इवन फर्स्ट नंबर पे है. ठीक है. जो मरकरी प्लैनेट है वो सन के सबसे ज्यादा नेड़े है. नियरेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा नेड़े. योर थर्ड क्वेश्चन इज इन विच प्लैनेट डू वी लिव? हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्थ. हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ. ठीक है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्थ. अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट है? कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन विच प्लैनेट इज फॉरदेस्ट From the sun. Farthest means सबसे ज्यादा दूर. ठीक है. सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून. The answer of this question is Neptune. Neptune is farthest from the sun. Your fifth question is which is the biggest planet? Biggest means सबसे ज्यादा बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ठीक है. बिगेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा प्लैनेट है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जुपिटर. जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा प्लैनेट है. योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिव द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. ठीक है. क्या कहा इसमें? सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सभी की लिस्ट दो. ठीक है. फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस, द लास्ट वन इज नेपच्यून. ठीक है. ये जो सभी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सभी सोलर सिस्टम में हैं. ठीक है. सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं. ठीक है. फर्स्ट से लेकर 8th तक ये प्लैनेट्स हैं सभी सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं. ठीक है. योर सेवंथ क्वेश्चन इज which is the hottest planet of our solar system. Hottest means सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है। hottest means सबसे ज्यादा गर्म कौन सा planet है? इनमें से first option is Mercury, second is Venus, third is Jupiter, fourth is Earth. The answer of this question is Venus is the right answer for this question because Venus जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. लार्जेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा लार्जेस्ट. ओके, फर्स्ट इज सैटर्न, सेकंड इज यूरेनस, थर्ड इज मार्स, फोर्थ इज Jupiter. The right answer for this question is Jupiter is the largest. Largest means सबसे ज्यादा बड़ा planet है Jupiter, ठीक है। Others are wrong options, but Jupiter is the right answer for this question. Your ninth question is which is the smallest planet of our solar system. Smallest means सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज मरकरी, सेकंड इज यूरेनस, थर्ड इज सैटर्न, फोर्थ इज मार्स. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मरकरी, ठीक है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. Your 10th question is which of these is the coldest planet of our solar system. Coldest मतलब सबसे ज्यादा ठंडा planet कौन सा है? First option is Uranus, second is Neptune, third is Saturn, fourth is Jupiter. The right answer for this question is Neptune. Neptune is the right answer for this question because Neptune जो है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में. सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है Neptune. 11th question is which is the third planet from the sun. थर्ड, पहले तो यहाँ पे सन आता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्लेनेट कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ठीक है। थर्ड प्लेनेट कौन सा है सन के बाद? अर्थ, ठीक है। थर्ड प्लेनेट है अर्थ, यहाँ पे हम लोग रहते हैं. सन के बाद सन, यहाँ पे जो सन है वहाँ पे फर्स्ट ये प्लेनेट है, सेकंड फर्स्ट है मरकरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ. तो विच इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अर्थ. विच प्लेनेट इज कॉल्ड द इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार? किस प्लेनेट को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज evening and morning star. First option is Jupiter, second is Venus, third is Mars, fourth is Saturn. The right answer for this question is Venus planet. Evening और morning star किसको बोला जाता है? Venus planet को. 13th question, the moon is the earth is. मून है यो, वो अर्थ का क्या है? यो मून है वो अर्थ का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड इज स्टार, थर्ड इज प्लेनेट, फोर्थ इज नन ऑफ अबव, ठीक है। मतलब भी इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड प्लेनेट भी नहीं है, सेकंड स्टार भी नहीं, बट जो मून है वो अर्थ का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट. हमें उनसे नेचुरल सैटेलाइट मीन्स हमें उनसे रोशनी मिलती है ना मून में, मून से, तो इसलिए मून है यो वो अर्थ का क्या है? नेचुरल. वी आर टर्निंग टू 14th क्वेश्चन. The planets with विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स। किस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मून्स है? फर्स्ट ऑप्शन इज सैटर्न, सेकंड इज जुपिटर, थर्ड इज नेपच्यून, फोर्थ इज यूरेनस। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है, ठीक है। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है। 15th क्वेश्चन, हाउ मैनी मून्स डज यूरेनस हैव? यूरेनस के पास कितने मून्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 12, सेकंड इज 14, थर्ड इज 27, फोर्थ इज 30। 27 इज द राइट आंसर बिकॉज यूरेनस के पास 27 मून्स है, ठीक है। यूरेनस, योर लास्ट क्वेश्चन इज नेपच्यून हैज डैश मून्स। नेपच्यून के पास कितने मून्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 12, सेकंड इज 14, थर्ड इज 27, फोर्थ इज 31। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। नेपच्यून हैज 14 मून। ओके, I hope you all understand these questions. Thank you.